योऽन्तः प्रविश्य मम वाच वाचमिमां प्रसुप्तां सञ्जीवयत्यखिलशक्तिधरःस्वधाम्ना अन्यांश्च हस्तचरणश्रवणत्वगादीन् प्राणान्नमो भगवते पुरुषाय तुभ्यम् प्राणान नमो भगवते पुरुषाय तुभ्यम प्रिय शिक्षार्थियों एन के स्टूडियो में आप सभी का पुनः स्वागत अभिनंदन मैं श्री जगन्नाथ संस्कृत विश्वविद्यालय पुरी से डॉक्टर चंदन कुमार मिश्र आप सबके मध्य उच्चतर माध्यमिक कक्षा के वेदाध्ययनम अंतर्गत छब्बीसवा पाठ जो शर्मापणि संवाद सूत्र के नाम से है उसके द्वितीय भाग के अध्ययन के लिए उपस्थित हूँ इस शर्मापणि संवाद के द्वितीय भाग में मंत्र संख्या चार से सात तक का हम लोग अध्ययन करेंगे चतुर्थ मंत्र इस प्रकार है ना हम तम वेद तभ्यम दभत्स येदूती रंगूहति स्रवतो गभीरा हता इंद्रेण प्रणयशे मैं एक बार इस मंत्र का पाठ करता हूँ ना हम तम वेद दभ्यम दभत्स येदम दूती न तम गूह्रवत गभीरा हता इंद्रेण यह मूल मंत्र हुआ इसका पदपाठ इस प्रकार है न अहम तम वेद दभ्यम दभत सह यदम दूती असर पराकात न तम गूहती स्रवता हा गभीरा हा, हता इंद्रेण प्रणय शयध यह पदपाट हुआ इस मंत्र का सरलार्थ इस प्रकार है शर्मा कथयति यस्य इंद्रस्य दूती रूपेण अहम अत्र आगतवती तम कोपि पराजयितुं असमर्थः सह इन्द्रः एव सर्वां पराजयति प्रखराः गभीराः नद्यः अपि तस्य वेगम रोद्धुं असमर्थाः सन्ति हे पणयः यूयं अपि इंद्रस्य तादृश पराक्रमेण आहताः संतः शयनं करिष्यथ इति अर्थात शर्मा कहती है कि जिस इंद्र की दूती बनकर मैं आई हूँ यहाँ पर उस इंद्र को कोई हरा नहीं सकता कोई पराजित नहीं कर सकता इंद्र को पराजित करने में कोई समर्थ नहीं है वह इंद्र ही सभी को स्वयं युद्धादि में पराजित करता है और जो अत्यंत प्रखर और अत्यंत गंभीर नदियाँ वगैरह भी हैं जो अत्यंत तीव्र प्रवाहमान होती हैं वे नदियाँ भी इंद्र के वेग को रोकने में असमर्थ हैं इसलिए हे है, पणिगण तुम सभी भी इंद्र के उस पराक्रम के द्वारा मारे जाओगे आहत होकर के शयन करोगे उस इंद्र के द्वारा तुम सब निश्चित रूप से हत होोगे मारे जाओगे इंद्र तुम्हारा सर्वनाश करेगा अतएव गौ प्रत्यर्पण करो ऐसी प्रार्थना ऐसा आदेश शर्मा के द्वारा उत्तर वाक्य के रूप में दिया जाता है पुनः गृह मंत्र है इमा गावस में या छि दिवो अंता कस्तना अवसृजा दयोध्य दयोध्युव्युता स्माकमायुधा सन्ति तिग्मा मैं पुनः एक बार इस मंत्र का पाठ करता हूँ इमागावसर मे या परिदिवो अंतान सुभगे पतन्ति कस्त एना अवसृजा दयोध्युता तिग्मा ऐसा मंत्र संहिता पाठ में किया जाता है पुनः पद पाठ इसी मंत्र का इस प्रकार है इ गे या अंतान सुभगे पतंती कहते अव सृजात अयुधी उत अस्माक आयुधा सत दिग्मा मंत्र में आया सृजात अयुध्युताक आयुधा सत दिग्मा बला क्लिष्टक पद है अतएव पदपाठ का निश्चित रूप से अध्ययन करना चाहिए पदपाठ में पूर्ण रूप से सभी अक्षर अलग अलग होकर के हो के स्पष्ट उच्चारण करने में समर्थ होते हैं पुनः इस मंत्र का सरलार्थ कहा जाता है कणय उतव हे सुंदरी सरमे में स्वर्ग से अतिम प्रदेश आगतवती अतः मम याम याम इच्छति ताम ताम हम तोभ्यं दाँम शक्नों परंतु युद्धम विना क्य दाती अर्थात विना युद्धेन न दायामी मम समीपे अभी बहूनी तीक्षण आयुधा सी अर्थात अहम अपि योद्धुम समर्थ अस्मी शर्मा के द्वारा इंद्र के वीरताओं का वर्णन करने के पश्चात पणिगण वह पणि पुनः बोलता है हे सुंदरी सरमे आप जो है स्वर्गलोक के अंतिम स्थान से आप आई हैं सुदूर स्थान से आप आई हैं अतः हमारे गऊ के बीच जिन जिन गओं को आप लेना चाहती हैं मैं उन सभी गौं को आपको दे सकता हूँ किंतु बिना युद्ध के आपको गऊ कोई नहीं देगा यहाँ पर आपको हमसे युद्ध करना पड़ेगा मेरे समीप भी बहुत तीक्ष्ण आयुध हैं शस्त्र हैं अर्थात इन शस्त्रों के द्वारा मैं भी युद्ध करने में समर्थ हूँ अपने इंद्र से आप मेरे युद्ध की चर्चा कर देवे तभी गाय आपको मिल सकती है ऐसी सरलार्थ इस मंत्र में प्राप्त तो होता है अग्रिम मंत्र है असेनयावपण संतुपापी अध एतवा अस्तु पंथा बृहस्पतर् व उभयानमृडात पुनर एक बार मैं इस मंत्र का पाठ करता हूं असेन्यावपणयवचाम शनिशव्यास तन्वसन्तु पापी अपृष्टोव एतवा अस्तु पंथा बृहस्पतर् व उभयानमृडात यह मूल संहिता पाठ हुआ इसका पद पाठ इस प्रकार है असेन्याह वह पणयह वचामसी अनिशव्या तन्व पापी अदृष्टा वह एतवे अस्तु पंथा बृहस्पति वह उभया न मृड़ात तो ऐसा पदपाठ इस मंत्र का किया गया अग्रिम सरलार्थ के रूप में आपकी समक्ष चर्चा प्रस्तुत है भवताम वचनम सैनिकोचित नास्ति शर्मा बोलती है कि हे पणि आपका वचन सेनानियों के लिए उचित नहीं है भवता शरीरे पापम विद्यते आपका संपूर्ण शरीर पापी है पाप आपके अंतकरण में विद्यमान है इदम शरीरम कदापि इंद्र से बाण से लक्ष्यम न इंद्र के बाण का लक्ष्य आपका यह पापी शरीर कभी नहीं हो सकता नवा इति पता नहीं इंद्र के बाण के लक्ष्य में आपका शरीर हो भी सकता या नहीं कहीं ऐसा न हो इंद्र के द्वारा पहले प्रहार से ही आप स्वर्गलोक पधार जाएं देवता कदापि भवताम उपरि आक्रमणम कुरु नवा पता नहीं देवता कभी आपके ऊपर आक्रमण करेंगे भी या नहीं क्योंकि देवता पाप से दूर रहते हैं मम संशय पश्चात बृहस्पति भवतो क्लेशम प्रदास्यति। मेरा ये शंका है कि बाद में मेरे जाने के बाद निश्चित रूप से बृहस्पति आपके लिए क्लेश कष्ट प्रदान करेंगे यदि भगवान गाह न दास्यति सन्निकटे एवं वर्तते यदि आप गऊ को मुझे वापस नहीं प्रदान करेंगे तो आप अत्यंत विपदाओं के सन्निकट ही हैं विपदा आपके ऊपर आ ही रही है अग्रिम मंत्र है अयन निधि सर में अद्रिबुद्धो गो भीरश्वे भीर्वसुभिन्यष्ट रक्षितम पणयो ये सुगोपारे कुमा जगथा जगंथ पुनरेक बार मैं इस मंत्र का पाठ करता हूँ अयन निधि सर में अद्रिबुद्धो गो भीरश्वे पणयो ये सुगोपारे कुमल कमा जगंथ यह मूल संहिता पाठ हुआ इसका पाठ इस प्रकार है अयम निधि सर मे अद्रिबुधन गोभि अश्वे वसुभ निरिष्टा रक्षति तम प्रणय ये सुगोपा पदम अलकम आ जगंथ इस प्रकार इसका पद पाठ किया गया अब सरलार्थ का विचार करेंगे प्रणय अकथयन हे सर मे मम संपत्ति पर्वत सुरक्षिता विद्यते हे सरमा मेरी संपत्तियाँ पर्वतों में पर्वतों के द्वारा सुरक्षित हैं तथा गोभी अश्व धनैश्च परिपूर्ण विद्य विविध विद्द प्रकार के गौ अश्व इत्यादि धनधान्यों से परिपूर्ण मेरी संपत्ति है पुनच्च रक्षा कार्य प्रणय एव निर्वहती मेरे इस संपत्तियों का रक्षा पणिगण स्वयं करते हैं अतः अगमन व्यर्थम अस्त आपका यहाँ आना व्यर्थ ही है अर्थात इंद्र से भीतिम प्रदर्श्य अस्माक सकाशात गाह प्राप्त भवती असमर्थ अस्ती तात्पर्य है कि इंद्र के भय से इंद्र का भय दिखाकर आप हमारे पास से गौएँ ले जाने में असमर्थ हैं आपको गौएँ नहीं मिलेंगी ऐसी इस संवाद में चर्चा प्राप्त होता है इस पाठ में इतना ही पुनः आपको धन्यवाद